ये मेरा अटल फैसला है, इंशाल्लाह फतह से कम हम किसी चीज पर राजी नहीं होंगे, और अगर इससे पहले मेरा इंतकाल हो जाए तो फतह के बाद मेरी लाश को बोरसा ही में दफनाना। ये अल्फाज सल्तनत उस्मानिया के बानी गाजी उस्मान अव्वल ने अपने बेटे ओरहान को वसीयत करते हुए कहे। 13वीं सदी के इख्तिताम पर जब सलजोकी रियासत का जवाल हुआ तो उस्मान गाजी ने 1299 में एक नई इस्लामी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। ये अभी एक नई मुमलिकत ही थी कि इससे कई गुना ज्यादा बड़ी और वक्त की सुपर पावर बाजंतीनी रियासत ने इसको मिटाने का फैसला किया और बोरसा समेत कई इलाकों से लश्कर तैयार करने लगे। उस्मान गाजी इस मुहिम के जवाब में खुद अपनी फौज की क्यादत करते हुए बाजंतीनी फौजों में घुस गया और उनको तितर बितर कर दिया, और कुछ ही अरसे में बोरसा के अलावा तमाम आसपास के शहरों को फतह कर लिया। गो के इन फतूहात ने बोरसा के लिए रास्ता हमवार तो किया, लेकिन अब भी यह एक नहायत मुश्किल मुहिम थी और बोरसा अपने जुग्राफियाई और तजारती कदरों कीमत की वजह से इंतहाई अहम शहर था। इस शहर का मुहासरा हुआ, लेकिन ईसाइयों ने मुजाहमत करते हुए एक तवील वक्त गुजार दिया, मगर ना तो उस्मान गाजी के इरादों में कमजोरी आई और न ही इसके तवाना अज़्म में कमी। मगर आखिरकार उसका वक्त पूरा हुआ और वो इस जहाने फानी से कूच कर गया। उसके बाद उसका बेटा ओरहान उसका जानशीन बना तो उसने अपनी अंथक मेहनत और मुदब्बराना सलाहियतों की बदौलत एक कलील मुद्दत में ही बोरसा पर फतह के झंडे गाड़ दिए और यूं अपने बाप की ख्वाहिश की तकमील की। उस्मान गाजी ने बिस्तर मर्ग पर अपने बेटे को जो वसीयत की इसमें आज भी हमारे लिए दरसे नसीहत है। जिहाद फी सबीलिल्लाह के तसलसल को कायम रखते हुए दीन इस्लाम को हमेशा सरबुलंद रखना। मुकम्मल तरीन जिहाद के जरिए इस्लाम के मुकद्दस झंडे को थामे रखना। हमेशा इस्लाम के खादिम रहना। मेरी नस्ल से जो भी हक और अदल से रूगरदानी करेगा रोजे महशर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से महरूम रहेगा।